नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केरल के बारकला की खूबसूरती को देखेंगे, साथ ही साथ जानेंगे बारकला की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर चैनल में नए आए हैं तो हमारे टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए बारकला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत के समुद्र तट रेखाओं की बात ही कुछ अलग है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित बारकला एक खूबसूरत सी तटीय शहर है। बारकला ही केरल में ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी समुद्र के बहुत पास है। इस जगह को पापनासम समुद्र तट भी कहते हैं और ये अपने प्राकृतिक झरनों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इस समुद्र तट के पवित्र पानी में डुबकी लगाने से शरीर की सभी अशुद्धियां चली जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं, इसीलिए बारकला को पापनासम समुद्र तट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जान लेते हैं यहाँ के कुछ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। यह है कपिल बीच। झिलमिलाते पानी, सुनहरी रेत और पेड़ों के घने जंगल यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं। केरल के सबसे सुंदर रहस्यों में से एक माने जाने वाला ये बीच वास्तव में शांति से परिपूर्ण एक स्थान है। इस बीच पे सूर्यास्त को देखना बहुत आनंददायक होता है। पर्यटक इस बीच के हरे भरे नारियल के पेड़ से सज्जित लंबे रेतीले हिस्से पर भ्रमण करते हुए प्रकृति के सैर का आनंद भी ले सकते हैं। यह है कपिल लेक। बारकला से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कपिल झील केरल के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो नारियल के पेड़ों से भरी हुई है। ये लेक मन को शांति प्राप्त कराने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर्यटक बोटिंग करके इस सुंदर झील के दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप फोटोशूट के शौकीन हैं तो ये जगह खास आपके लिए। यह है पन्नुमुथुट आइलैंड। बारकला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी सड़क इस स्थान की ओर जाती है। इस द्वीप पे पहुंचने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा, जो कि 10 मिनट का समय लगेगा। पन्नुमुथुट आइलैंड पे भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ये द्वीप देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप एक प्राकृतिक प्रेमी है तो यहाँ के पक्षियों की आवाज आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप बारकला घूमने आए हैं तो इस जगह पे जरूर जाएं। यह है अमचूथेंगू किला। इसे अंजेंगो किला भी कहा जाता है। ये जगह बारकला से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने केरल में अपना व्यापार समझौता करने के लिए बनवाया था। किले से आप समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप फोटोशूट का भी आनंद ले सकते हैं। किले में 1704 साल पुराना एक कब्रिस्तान है, जो केरल का सबसे पुराना कब्रिस्तानों में से एक है। पर्यटक पास के प्राचीन समुद्र तट पर भी जा सकते हैं और प्रकृति की शांति में भीगते हुए एक दिन का आनंद भी ले सकते हैं। पास में ही एक लाइट हाउस है जो देखने लायक है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट है। लाइट हाउस के ऊपर से समुद्र का बेसुमार नजारों को भी पर्यटक देख सकते हैं। यह है जनार्दन स्वामी टेम्पल। जनार्दन स्वामी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का बनारस कहा जाता है, जो 2000 साल पुराना है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ एक प्राचीन घंटी है, जिसके लिए माना जाता है ये घंटी एक डच जहाज के कप्तान द्वारा मंदिर को सहयोग में प्रदान की गई थी। ये घंटी कई पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माना जाता है मंदिर परिसर में स्थित तालाब का पानी पवित्र है और उसमें डुबकी लगाकर नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह है शिवगिरी मठ, जो शिवगिरी पहाड़ में ही स्थित है। बारकला से यह 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवगिरी हिल पर महान गुरु श्री नारायण गुरुदेव जी का समाधि मंदिर है। पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता और आसपास के झरनों को देखकर गुरुदेव ने इस पवित्र स्थान का नाम शिवगिरी रखे थे। बारकला घूमने आए पर्यटक बिना इसे देखे नहीं जाते। यह है बारकला टनल। बारकला टनल 926 फीट लंबी सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण 1867 में किया गया था। इस सुरंग को पूरा होने में कुल 14 साल लग गए थे। ये एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। सुरंग की संरचना पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। जब भी आप बारकला जाए, अपनी पिछली पीढ़ी द्वारा बनाई गई इस अद्भुत स्थल का भ्रमण अवश्य करें। यह है बारकला एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में आप अलग अलग प्रजाति के मछलियों और समुद्री पौधों के बारे में जान सकते हैं। यह बारकला एक्वेरियम अपने बच्चों के साथ जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। आपके बच्चों को जलीय जीवों के बारे में और जानने को मिलेगा और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी इस अविश्वसनीय जगह का आनंद ले सकते हैं।
यह है थिरुभाम्बाड़ी बीच। थिरुभाम्बाड़ी बीच उन यात्रियों के लिए एक आदर्श है जो प्रकृति के विभिन्न रंगों का पता लगाना पसंद करते हैं। यहाँ के आकर्षक सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ समुद्र के मनमोहक दृश्य पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यह है सरकार देवी मंदिर। सरकार देवी मंदिर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जो देवी भद्रकाली को समर्पित है। लोगों का कहना है ये देवी सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। दोस्तों, बारकला के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। बारकला तिरुवनंतपुरम से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और कोल्लम शहर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। KSRTC द्वारा दक्षिण भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से बारकला के लिए बस सेवाएं चलाई जाती है। बारकला में रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही पर्यटन वाला वीडियो देखना पसंद है तो हमारे टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।